अस्सलाम वालेकुम भाई जान, सब खैरियत, तबीयत अच्छी है। आज आपके भाई के साथ हो गया सीन। सुबह हो गए हम अपने ड्यूटी पे जाने पे लेट, नाश्ता वाश्ता कुछ किया नहीं, और इस वक्त बज रहा है रात का तकरीबन 9:30, और भूख से हालत हो गई शदीद। इसी वजह से मैं जो है मार्केट से जल्दी भागा हूँ घर, और रास्ते में मेरी गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली जो है नूरानी कटाकट वालों की पार्किंग में आके रुक गई, और इस वक्त भूख से मेरा हो रहा है बुरा हाल। तो होपफुली चलते हैं, खाना बनवाते हैं, और खाना खा के घर जाएंगे, और घर वालों के लिए भी लेके जाएंगे। पीसेस निकाल लेते हैं और कटाकट बनवाते हैं। पीसेस निकाली हैं और मेरे हिसाब से बहुत होंगे, फैमिली के लिए अलग निकालनी है। बाकी ये कि आप चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं इनकी ट्रेडिशनल रेसिपी जो है क्वेटा से जो चली आ रही है, उसके हिसाब से लोग बनाते कैसे हैं और क्या क्या मसाले यूज़ करते हैं। भूख इतनी शदीद है ना, इस वक्त मुझे अपना कोई दोस्त याद नहीं आ रहा। मैं भूल चुका हूँ कि नूरानी के पास मानी भाई का घर है। मैं ये भी भूल चुका हूँ कि नूरानी से थोड़ा सा आगे औरंगजेब भाई का ऑफिस है। इस वक्त मुझे कोई याद नहीं आ रहा, सिर्फ खाना और मैं बस। एज़ यूजल नूरानी अप टू द मार्क, बड़ा मज़ा आया। मक्खन में पका हुआ ट्रेडिशनल कटाकट, उफ यार उफ, जो मेरी भूख को चार चांद लग चुके थे ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पूरी फुलफिल करवा दी। इनका फीडबैक ज़रूर दें, उससे होता यह है कि एक सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट आप कह लें कि मिलती है कि हाँ भाई हम काम कैसा करें, और सब्सक्रिप्शन और वीडियो के लाइक्स ये बताते हैं कि हम काम करें, और मज़ीद वीडियो बनाने में जो है ना एक हेल्प मिलती है जो बड़ा हेल्पफुल साबित होती है। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।